बालाघाट में शनिवार को हुई लूट की घटना के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला बालाघाट स्थित एक सराफा दुकान का है, जहां एक अज्ञात महिला व पुरुष ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और गहने खरीदने का बहाना बनाकर गहना पसंद करने लगे, लेकिन मौका मिलते ही आरोपी दुकान से सोने के चैन उठाकर भागने में सफल हो गया। बाद में भीड़ का फायदा उठाकर महिला भी भागने में सफल हो गई, जिसके बाद दुकान मालिक पीयूष सोनी द्वारा घटना की शिकायत थाने में दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की लगातार जांच शुरू कर दी गई है, जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें पुलिस द्वारा आरोपी महिला रीना बम्बूरे और आरोपी अनमोल आरसे को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में दोनों ने साथ मिलकर अपराध घटित करना स्वीकार किया। लगी लूट के आरोपियों को गिरफ्तार की थी, कैसे गिरफ्तार हुआ, किस प्रकार से कार्रवाई की? लगभग दो दिनों पहले कोतवाली क्षेत्र में एक सराफा व्यवसायी के पास से लग 7-8 सोने की चेन एक दो आरोपियों लेके लूट करके भागे थे, तो उन दोनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर कोतवाली पुलिस ने राउंडअप किया है और उनके पास से पूरा मशरूका जो है लगभग 7 लाख रुपये तक का मशरूका वो लूट का मशरूका जब्त किया गया है। पूरी कार्रवाई में एडिशनल एसपी विजय के नेतृत्व में सीएसपी साहब और विकास महेश, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छा रोल किया है, तो इन सभी को बधाई देता हूं और इन आरोपियों से विस्तृत पूछताछ से आगे की जानकारी निकालेंगे। सर, लगातार जो लूट हो रही है उसको लेकर पुलिस को स्ट्रेटजी बनाई, क्या किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि अभी अपील भी किया गया था कि वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज लगाने के लिए आपने बोला अपील किया, क्या? बिल्कुल, चूँकि लूट की घटनाएँ काफ़ी गंभीर होती हैं और हम लोगों ने पहले भी एक बार कई बार सराफा एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया है कि आपके क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज जन भागीदारी के माध्यम से अधिक संख्या में लगाए जाएँ। निसंदेह पुलिस की ड्यूटी है कि इस तरह केसेस को ट्रैक करना और हम लोग करने का प्रयास भी करते हैं, जैसे इस केस में आपको दिखा भी, परंतु अगर पर्याप्त सीसीटीवी का नेटवर्क इस तरह के क्षेत्रों में रहता है तो अपराधी को भी एक तरह से साइकोलॉजिकल डर रहता है कि वहाँ पर उसके पकड़े जाने की संभावना बढ़ती है, और दूसरा यदि कोई घटना हो भी जाती है तो भी हमें विवेचना में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को राउंड अप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लूज मिलते हैं। तो एक बार फिर से मैं सराफा एसोसिएशन के सभी व्यवसायी भाइयों से निवेदन करूंगा कि यथासंभव अपने अपने क्षेत्रों के बाहर, अपने अपने दुकानों के बाहर और उस पूरे एरिया में जन भागीदारी के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज का नेटवर्क थोड़ा बढ़ाएँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह के सभी केसेस को हम लोग बहुत स्विफ्टली टैकल कर पाएंगे। सर, अभी सीएम साहब का कल दौरा है और रात्रिकालीन जन आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है।